नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। द्वारकापुरी क्षेत्र में एक 20 साल के तांत्रिक बाबा ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की तबीयत खराब होने के कारण उसे झाड़ फूक के लिए तांत्रिक के पास लेकर गए थे। पीड़िता ने बताया कि 6 माह से उसकी तबीयत खराब है, जिसको लेकर परेशान परिजन पीड़िता को आरोपी तांत्रिक के पास झाड़ फूक के लिए लेकर पहुंचे थे। आरोपी ने पीड़िता के भाई को बाहर बैठने को कहा और फिर घर के मंदिर में बैठकर झाड़ फूक शुरू कर दी। उस दौरान पीड़िता कुछ बोल नहीं पाई। इसके बाद परिवार पीड़िता को लेकर घर पहुंचा, तब पीड़िता ने परिजनों को बताया कि तांत्रिक ने झाड़ फूक के बहाने उसका बलात्कार किया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर श्रद्धा सबूरी कॉलोनी के आरोपी कृष्णा चौहान उर्फ तांत्रिक बाबा उम्र 20 साल के खिलाफ बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामला ये है कि हमारे पास में 14 तारीख को एक पीड़िता आई थी, नाबालिग पीड़िता थी। उसने एक लिखित में शिकायत थी, शिकायत पर हमने FIR करी। उसमें बताया उसने कि संडे के दिन वो उसका भाई उसको तांत्रिक के यहाँ पे लेके आया था और थोड़ी बीमार चल रही थी 5-6 महीने से। उसका भाई जब उसको लेके आया तो तांत्रिक ने उसको उसके भाई को बाहर बैठने का बोल दिया और जो घर में उनके मेंबर थे उनको ऊपर छत पे जाने का बोल दिया। उनको इस घटना की जानकारी नहीं थी। उसके बाद में तांत्रिक ने नाबालिग पीड़िता के साथ में गलत काम किया। तांत्रिक ने किस तरह तांत्रिक के ऊपर बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी बियर का नशा करता है। तांत्रिक बनने के साथ वह कनाडिया रोड स्थित एक नर्सरी में भी काम करता है। इस पूरे मामले की अभी जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत, इंदौर।